नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। मैथ का क्लास नाइन्थ का यह क्वेश्चन पेपर है और जल्दी से सभी क्वेश्चनों को रट लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लीजिए, सॉल्व कराते हुए चलते हैं हम। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भिन्नों में दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार शांत कौन सा होता है? तो शांत वही होगा जिसके गुणनखंड में दो या पाँच हो, या फिर दो हो या दो पाँच हो, या दोनों हो। तो देखिए, ग्यारह नहीं होगा, तेरह नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें देखिए दो है, फैक्टर करो दो गुणा दो, तो यही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समीकरण में कौन सा हल होगा? तो मान रख दीजिए, ये जीरो रखेंगे तो ये माइनस का आएगा। इसमें देखिए दो रखेंगे और इसका जीरो रखेंगे तो ये दो है ही नहीं। चार रख के देखिए, एक्स का मान चार रखेंगे और वाई का जीरो हो जाएगा, तो चार बराबर चार, तो तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है। तो शेष कोण कौन, शेष दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट है, अर्धगोले का एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला इस टाइप का होता है और हम जानते हैं पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फोर पाई आर स्क्वायर होता है, और आधे का क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन 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 ये जैसे ही काटते हैं तो ऊपर क्या है, एक वृत्त बन जाता है, और वृत्त का सर्किल हम जानते, सर्किल का क्षेत्रफल जानते हैं हम पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब दो तो पहले ही था और एक और जुड़ गया तो थ्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। तो हम जानते हैं इसमें देखिए, जैसे ही शंकु की त्रिज्या, शंकु इस टाइप का होता है, देखिए ये इस टाइप का शंकु होता है और ये त्रिज्या ऊंचाई होती है जो कि क्या होती है, कर्ण का काम करती है। और कर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण की जगह लंब आर है, और सॉरी, लंब की जगह आर है और आधार की जगह एच है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ से कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे ही है ये क्वेश्चन, 16 के फैक्टर कर लीजिए, 2 की घात 6 कर सकते हैं इसको। 2 की घात 6 क्या होता है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 2 8 2 16, हाँ 2 की घात 4 होता है, और ऊपर भी 3 की घात 4 है, तो गुणा में घातें कट जाएंगी ऊपर नीचे। अब 2 की घात क्या बच गया, 3 बच गया, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं, जब भी परिमेय संख्याएं पूछता है तो जितनी पूछता है उसमें एक ऐड कर दीजिए। 5 पूछ रहा है तो 5 में एक ऐड कर दिया तो 6 हो गया। अब क्या 6 का क्या करना है, पहली संख्या में 6 का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 6/6, तो ये हो जाएगा 6 3 18/30 हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24/30 हो जाएगा। अब देखिए 18/30 से 24/30 में टोटल जो परिमेय संख्या आएंगी 6 ही आए, 5 ही आएंगी, तो यही क्या हो जाएंगी, इनको लिख देना है। फिर जैसे पहली क्या हो गई, 19/30, फिर क्या हो जाएगी 20/30, फिर 21/30, ऐसे ऐसे 23/30 तक लिखनी है, क्योंकि 24/30 तो ये खुद ही है। तो नेक्स्ट है आपका, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करना है इसमें, तो गुणनखंड देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लो, 36 हो गए। अब घटाने पे 5 लाना है, तो 36 के गुणनखंड करने हैं, तो 6 6 36 36 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 18, 2 से 9, तो 9 6 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 ये हो जाएगा। तो 9 और 4 फैक्टर आ जाएंगे इसके, तो इसको सेट करके निकाल सकते हैं। गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें मान रख दीजिए, मान आ जाएगा। एक्स और वाई के मान निकालने हैं, तो देखिए दो ये समांतर रेखाएं दे रखी हैं, और समांतर रेखाओं को त्रियक कोई रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और इसके नीचे वाला कोण ये क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। और ये वाले कोण देखिए, ये काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं, ये कोण होते हैं, इन कोणों का योग होता है 180, क्योंकि ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180, ऊपर वाला 50 का है तो नीचे वाला 130 का हो जाएगा, जो कि x का मान है। ऐसे ही अब ये 130 का है तो ऊपर वाला 130 का होगा, क्योंकि
ये दोनों कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, तो एक्स और वाई के दोनों के मान 130 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई एम एन प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों का योग ए प्लस बी का योग क्या है 90 है, ऐसे ही बी प्लस सी का योग कितना है 180 है, ऐसे ही और सी प्लस ओ का, और टोटल योग कितना है, टोटल योग है आपका 360। तो सभी के मान इसमें रखेंगे तो इसका ए और बी का मान ऑटोमेटिक, सी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस ऐसा ही है, ये सरल है। नेक्स्ट है इसमें देखिए परिमेयीकरण करना है तो चिन्ह बदल के करते हैं, नीचे वाले का तो रूट सात माइनस है तो प्लस कर देंगे, रूट सात प्लस रूट छः, ऐसे ही रूट सात प्लस रूट छः। ऊपर नीचे करना है तो नीचे वाला फॉर्मूला तो ऊपर वाला तो हो जाएगा देखिए रूट सात प्लस छः, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सात का सात माइनस छः हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट सात प्लस छः ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए 90 का है, ए बी ए सी बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ऐसा बनाना है बी समकोण, इसका ए समकोण है तो ये ए हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, इसकी रचना करनी है बस आपको। बी और सी ज्ञात कीजिए, अच्छा बी और सी ज्ञात करना है, ये रचना वाला नहीं है तो सरल है ये, तो क्या हो जाएगा देखिए ये समकोण त्रिभुज है इसका, ये 90 का है तो हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं तो टोटल योग 180 हो जाएगा, तो ये 90-90 के हो गए, तो ये 45-45 के हो जाएंगे क्योंकि बराबर हैं, क्योंकि 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेंगे, अब दोनों कोण को बढ़ जाएंगे क्योंकि 90 दोनों का योग हो जाएगा, तो ये और बराबर कह रहा है तो ये 45-45 के हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 18 सेमी 10 सेमी तथा उसका परिमाप दे रखा है, तो एस दे रखा है इसने, एस बराबर 42 दे रखा है जो कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो होता है एस, ये होता है। इसमें तीसरी भुजा नहीं निकाल दे रखी है तो हम इसका तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, इसमें 42 रख दो, ए और बी दे रखी हैं इसने 18 और 10, 18 प्लस 10 और दूसरी तीसरी सी है बटे दो हो जाएगा, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 4, 8, 82 हो जाएगा, वो 84 हो जाएगा, और 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 18 और 10 28 हो जाएंगे, तो इधर आएंगे तो 84 में से 28 घटा देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी, 12 में से 8 14 में से 8 जाएंगे तो 6, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 56 आ गई तीसरी भुजा, तीसरी भुजा 56 आ गई, तो हीरो उनका फॉर्मूला लगा दीजिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट के का मान निकालना है, यदि इसका गुणनखंड ये है तो ये इसका गुणनखंड होता है तो इसका मतलब हो गया ये इसका जो शून्य निकालेंगे जीरो के बराबर, तो एक्स का मान एक आएगा। अब एक्स का मान इस समीकरण में रख दीजिए दूसरे पॉलिनोमियल में तो बराबर जीरो करके, तो के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए एक रखेंगे तो के हो जाएगा ये, और यहाँ एक रखेंगे तो रूट दो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए रूट दो इधर आएगा और ये माइनस, तो के का मान आ जाएगा रूट दो माइनस एक, रूट दो माइनस एक आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ये है इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो ए माइनस इसको माइनस, ये माइनस है ना, इसको कॉमन कॉम बाहर निकाल के प्लस कर दो, तो ए प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू दो को बाहर ले लो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वसमिका दे रखी है, सर्वसमिका का प्रयोग करके, तो देखिए सर्वसमिका को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100-1 का होल क्यूब, तो इसको खोल दीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बाहर बार वाले प्लस के होते हैं अंदर वाले दोनों माइनस के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका भाग देना है और शेषफल निकालना है, तो भाग देखिए एक्स बराबर ए हो जाएगा, ए का मान रख दीजिए इसका, इसमें x बराबर a रख दीजिए, तो ए क्यू माइनस ए क्यू और ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 6a माइनस a, तो ये ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा 6a माइनस ए 5a, तो 5a इसका आ जाएगा, वैसे भाग देना है ऐसे नहीं करना है, सभी खंड निकालने हैं। नेक्स्ट है देखिए त्रिभुज है इसमें ए बी सी ए डी लंब है, ये लंब संबंधी भाजक है, तो ए बी बराबर ए सी करना है, तो ये ए डी इसका लंब संबंधी भाजक है, तो इसमें क्या करना है वो कर दीजिए
वो लगा दीजिए इसमें सर्वांग समता नियम, क्योंकि ये भुजा बराबर हो जाएंगी क्योंकि लंब अर्धक कर रहा है ये, तो बी सी बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा क्योंकि लंब भी है। और क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो सर्वांग सम हो गए। तो क्या हो सकता है, ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, सरल था ये तो। नेक्स्ट है 4, 5, 9, एक चतुर्भुज के कोण हैं ये दे रखे, चतुर्भुज के अनुपात दे रखे हैं, तो तीनों कोणों का ये 180 होता है। ये अनुपात है, इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट रही है, उस संख्या को x मान लो, तो 4x + 5x + 9x सभी को जोड़ के 180 हो जाएगा, तो 9, 5, 14 और 4, 18, तो इसका मतलब 18 से 18 काट दो 10, तो x जो संख्या थी वो 10 थी, 10 संख्या काट रही है। अब 10 का वापस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 40, 50 और 90 हो जाएगा, 40, 50 और 90 हो गई सभी कोण। एक बार घनाकार टंकी है तो घन का आयतन, तो टंक जब भी पानी की बात करता है तो वहाँ पे आयतन फॉर्मूला लगता है, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एल गुणा बी गुणा एच, घना घन है ये घन, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आकृति दी हुई है, इसमें एक्स वाई जेड के तो समद्विभाजक हैं, तो वाई ओ जेड निकालिए। देखिए इसमें आकृति दी हुई है तो इसमें रचना कर देंगे, तो देखिए ये पूरा 54 है, ये सरल है वैसे तो, तीनों कोणों का योग ये 54 है, तो बचा कोचा कितना हो जाएगा, एक्स मान लीजिए इसमें कोई भुजा बराबर होगी, समद्विभाजक है ये, समद्विभाजक है ये, तो सरल है, देखिए ये समद्विभाजक है तो ये बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर होगी तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे नीचे वाले त्रिभुज के। अब ये बराबर हो गई तो इनका योग बराबर हो जाएगा, तो फिर बड़े वाला त्रिभुज लगा देंगे तो उसका पूरा आ जाएगा। ये ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, पी क्यू आर है, एस हैं तो मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज एक आयत है, तो चतुर्भुज कोई चतुर्भुज है उसको आयत दर्शाना है, तो आयत की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही फॉलो होंगी तो सिद्ध हो जाएगा। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो देखिए बराबर जो जीवाएं होती हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, मतलब ये जो कोण है ये वाला, ये बराबर है, तो वो लगा दीजिए सर्वांग समता इन दोनों त्रिभुजों की, तो ये भुजा बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी बीच वाली, और ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो गई, तो सर्वांग समता नियम लग गया SSS। अब हम कुछ भी बराबर कर सकते हैं CPCT से, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो अब सब कुछ बराबर हो गया। ये शंकु दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई L दे रखी है, और आधार दे रखा है, आधार का व्यास है तो R 7 हो जाएगी, वक्र पृष्ठ 210 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है, पाई आर एल, वो तो पूरा है, संपूर्ण है, तो पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बस इससे व्यय निकालना है, तो जो भी क्षेत्रफल आएगा उससे 100 का गुणा कर दीजिए। यदि ये दे रखा है तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, a² / a / a², तो a का मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा ये, सभी खंड के हल कीजिए। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। नेक्स्ट है एक पार्क दे रखा है ABCD और सी इसका है, ये सभी भुजाएं दे रखी हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, एक लंबवृत्तीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है, कर दीजिए, आधार सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट है आपका दो बच्चे वाले 15,000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो आंकड़े क्या होंगे, तो परिवार की लड़कियाँ की संख्या दे रखी है, परिवार की संख्या दे रखी है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, दो लड़कियां हों तो कुल लड़कियां कितनी हैं, 3 हैं, और परिवारों की संख्या अलग अलग दे रखी है, तो दो लड़कियां यहाँ पे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/475 हो जाएगा, ये तो ऐसा ही है, कोई लड़की ना हो तो ये वाला हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपके समाप्त हो गए क्वेश्चंस, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।